इस गाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये है इसकी चाबी, गाड़ी के बारे में थोड़ा आपको बता दें, क्योंकि इसी गाड़ी के माध्यम से आपको यहाँ पे इसी ही गाड़ी मिलती है ड्राइविंग स्कूल में लाइसेंस बनाने के लिए, तो ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं होता है। ठीक है, ये डिपर है लाइट जलाने के लिए, इधर जो है इस तरफ होता है, और ये डिपर है इधर, ये सामने जो है वाइपर में पानी डालने के लिए, वाइपर चलाने के लिए। ठीक है जी, ये आपका हैंड ब्रेक है और ये गियर है, ऑटोमेटिक कार है। ठीक है जी, और मेन चीज़ देख लीजिए, ये पेट्रोल पंप, मतलब गाड़ी का जो है पेट्रोल डालने के लिए, ढक्कन खोलने के लिए, ये सामने का बोनट खोलने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। और ये आपका क्लच ब्रेक यही है, वो एक्सीलेटर है। अब इसमें क्या ना, क्लच नहीं होता है, तो जब भी गाड़ी आप अगर स्लो करेंगे तो क्लच का झंझट नहीं है, स्लो का इसी को दबा दिया ब्रेक को, स्लो हो जाएगी, क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी बंद नहीं होगी। ठीक है, और ज़्यादा ऑटोमेटिक होती नहीं है, इसके दो ही शीशे यहाँ से खुलते बंद होते हैं, और पीछे वाले के जो है वो मैनुअल होते हैं। वो देखिए हैंडल लगा हुआ है, ठीक है, वो हैंडल से खुलते बंद होते हैं। दोस्तों आसानी से समझ लेना, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं बड़े आराम से आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, काफ़ी लोग कई तरह के कमेंट करते हैं और जिज्ञासावश हर कुछ जानना चाहते हैं, तो एक वीडियो बनाने में बड़ा लंबा भी हो जाता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे सकूँ। ठीक है ना, तो जब आप यहाँ पे आओगे, जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप जाओगे लेफ्ट हैंड कार में, जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप जाओगे ड्राइविंग स्कूल में, तो वहाँ पे जो आपका मतलब पहले चला के टेस्ट होएगा, जो कुछ होगा सारा जो सिस्टम, तो आपको जो गाड़ी मिलेगी लगभग इसी कैटेगरी की मिलेगी, छोटी ही गाड़ी मिलेगी। उसके बाद में जब आपका लाइसेंस बन जाएगा, फिर आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाना होएगा, लेकिन जो टेस्ट आपका होगा, जो कुछ होगा, जब लाइसेंस का माध्यम जो है इसी गाड़ी से बनेगा, तो इस गाड़ी को जान लेना लगभग आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो एक आपको बड़ा एक अच्छी जानकारी भी मिल जाएगी, और एक आपको आइडिया भी लग जाएगा ना कि किस तरह से, काफ़ी लोग तो चलाए होंगे, जो लोग जिनके पास संसाधन नहीं है वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे, मतलब कि कोई लोग मारुति वैन में सीख रहे हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप जब ड्राइविंग स्कूल में जाओगे ना, तो इसी तरह की ये दो गाड़ियाँ होंगी, एक मैनुअल होगी, ठीक है ना, एक ये ऑटोमेटिक होगी। तो ये ऑटोमेटिक है, हो सके जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी लोगे ना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, कि आपसे पूछेंगे आपको कौन सी गाड़ी चाहिए ड्राइविंग मतलब टेस्ट के लिए, तो मैनुअल चाहिए या ऑटोमेटिक चाहिए, अगर आपको आता है तो आप कोई भी ले सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस है, अगर नहीं आता है तो आप जो है ऑटोमेटिक ले लो, ये बंद नहीं होती है, ठीक है ना। तो कैसी भी आपको घबराहट होती है ना, तो मैनुअल वाली क्या है ना, बंद हो जाती है, ये गाड़ी बंद नहीं होती, इसका प्लस पॉइंट बहुत अच्छा है। अब गाड़ी अगर बंद हो रही है तो फिर आपको दिक्कत होगी, वो लोग बार बार, आप समझ सकते हो ना, घबराहट के मारे बंद हो गई तो समस्या होती। चलिए हम आपको और बता देते, गाड़ी में बैठने के बाद में ना आपको अपने शीशा सेट करना है, ये जो मिरर है ना साइड वाला, ये सेट करना है। तो इसके लिए देखो, ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमको जो है ये एक छोटी सी बटन दिया है, बाईं तरफ का है तो बाईं तरफ कर दिया, अब ये बटन दबा रहे हैं, देखो शीशा जाएगा, ये देखो सेट हो रहा है ना। फिर अगर उसको दाहिनी तरफ लेके आना है तो दाहिनी तरफ वाला दबा रहे हैं, ठीक है। अब आपके मिरर सेट हो गए, उसके बाद में फौरन आपको ना सीट बेल्ट अपनी लगा लेनी है, बैठते ही सीट बेल्ट लगा लेनी है फौरन, फिर आप अपनी सीट को जो है ना एडजस्ट कर लोगे। सीट को एडजस्ट करने के लिए देखो, देखो दोस्तों, सीट को एडजस्ट करने के लिए ये जो है एंगल जो दिया है, ये इसी को ऊपर ऐसे दबाना है, फिर पीछे कर देना है, जितना आपकी लंबाई है आप अपनी लंबाई के अनुसार अपनी सीट को एडजस्ट कर ले। तो देखो हमने भी सीट बेल्ट लगा ली है, ठीक है ना। अब हम जो है जो आपको गाड़ी ड्राइव करनी है,
मेन चीज़ उसका देखिए समझ लीजिए क्या है, क्योंकि एकदम से कुछ देखो कठिन कुछ भी नहीं है ना, लेकिन एक दिमाग पे ना प्रेशर रहता है कि यार ये विदेश है और सब लोग नए हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं, कोई अपना आपको वहाँ बताने वाला नहीं होगा, तो एक मानसिक तनाव ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आपको देखो अब ये गियर है, इसको दबा के, अब इसको जैसे दबा के गियर को हम पीछे लाएंगे तो ये हमारा पैर देखो, ठीक है, ये पैर हमारा ब्रेक पे जाएगा क्लच पे, ठीक है, वही ब्रेक वही क्लच है। अब इसको हम गियर को, ये न्यूट्रल में आया, रिवर्स न्यूट्रल, ये ड्राइविंग में हो गया, ठीक है ना, ये ड्राइविंग में हो गया। अब ड्राइविंग में हो गया, हम सीधा जा सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम बाइक में जाएंगे क्योंकि सामने गाड़ी खड़ी है। तो ये देखिए, अब दोस्तों अब सीधा गाड़ी बढ़ाना है, गाड़ी गियर में है, अब धीरे से हम एक्सीलेटर को नहीं दबाना है, बिल्कुल एक्सीलेटर को छूना नहीं, केवल ब्रेक पैर से धीरे धीरे करके पैर हटा देना है। अब गाड़ी देखो कितनी स्पीड में है, बिल्कुल हल्की सी, अभी मीटर में देखो तो मीटर उठ नहीं रहा है बिल्कुल, अब आप देखो हल्का सा 5 की स्पीड में आई है। तो आप अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि 5 की स्पीड कोई बहुत नहीं होती है, ठीक है ना। अब आप अपने रास्ते को, अपने आप को अच्छे से देख पाओगे कि किस तरह से हमको सामने की तरफ जाना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको सिर्फ अपनी ही लाइन से चलना है, ठीक है ना। जब लाइसेंस के लिए रहोगे, लाइन में कई गाड़ियां होंगी आपके साथ में, आप अकेले नहीं रहोगे, हर एक व्यक्ति को एक अकेली गाड़ी मिलती है। यहाँ पे हम अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ में साझा कर रहे हैं, हर और लोगों के साथ में और तरह का हुआ होगा हमें नहीं पता है, लेकिन जो हमारे साथ में हुआ था वो आपके साथ में साझा कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो, अभी जब आप एक रोड से दूसरे रोड की तरफ मुड़ोगे, मतलब छोटे रोड से बड़े रोड पे आओगे ना, तो आपको रुकना जरूर है, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा गांव टाइप में है ना, तो बोर्ड नहीं लगा है, नहीं तो बोर्ड लगा रहता है, तो आपको रुक के देखना है, फिर उसके बाद में अपनी लाइन में आ जाना है, और थोड़ा आने के बाद में आपको फिर बीच में आ जाना है, ठीक है जी, बीच वाले रास्ते में आपको आ जा। और दोस्तों जो रोड की स्पीड लिमिट है ना, उसी के अनुसार आपको गाड़ी चलानी है, उससे कम ज़्यादा, देखो उससे ज़्यादा तो नहीं जाना है लेकिन कम ही रहना है, और कम इतना भी कम नहीं रहना है कि जैसे कि ये रोड 80 का है, ठीक है, तो आप 70 चलते रहिए। एक भाई ने कमेंट किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रोड कितनी स्पीड का है, बहुत से लोग को है, हमको खुद नहीं पता था तो कैसे जानकारी होगी, क्योंकि कोई बताने वाला भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे इतने ना जगह जगह पे साइन बोर्ड लगे होते हैं कि जैसे ही उसी रोड पे हर जगह पे इतने साइन बोर्ड लगे होंगे, साइन बोर्ड के साथ में कैमरे का भी एक निशान लगा होगा, जहाँ कैमरा पे होगा रास्ता सड़क पे लगा होगा वहाँ पे कैमरे का निशान जरूर होएगा कि यहाँ पे कैमरा है। अगर वहाँ पे स्थाई कैमरा नहीं तो जो छोटे छोटे पोर्टेबल कैमरा होते हैं वो कैमरे रखे होंगे, ठीक है। अब जैसे कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं इसकी लिमिट ना 80 की है, तो हम आपको आगे देखो बोर्ड लगा है दिखा, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 80, एक और खास बात आपको बता दें, वहीं ड्राइविंग स्कूल में ही आपको रोड पे पैदल चलने वालों के लिए जो है क्रॉसिंग मिलेगी, तो आपको वहाँ पे गाड़ी स्लो करनी है, रोकनी है, अगर कोई रास्ते में है तो रोकना है या स्लो करना है जरूर। ये देखो स्पीड का भी लगा है और कैमरे का भी साइन बोर्ड साथ में है, देखा दोस्तों, जब भी कोई रोड पे सिग्नल खुला मिलेगा ना, तो जो तय स्पीड है वो स्पीड से 20 किलोमीटर नीचे, ठीक है, जैसे ये इस रोड की स्पीड लिमिट 80 है, आपको 60 की स्पीड से निकलना है सिग्नल पे, क्योंकि जो कैमरा होएगा ना वो फिर आपका जुर्माना भी लग सकता है स्पीड का, क्योंकि जो कैमरा के जो नियम है वो ये है कि आपका जो स्पीड है लिमिट
वो सिग्नल पे कम होनी चाहिए और जो राउंड बोर्ड होते हैं ना उन पे कम होनी चाहिए। अगर जो राउंड बोर्ड है वहाँ पे कम नहीं है तो दिक्कत है। जो सिग्नल है वहाँ पे अगर जैसे सिग्नल बंद होने वाला, आपने सोचा कि हम अलातूर निकल जाएं और आपने स्पीड का ध्यान नहीं दिया, 80 का है तो 80 का चले गए तो उसमें उम्मीद ये होती है, किस्मत हुई नहीं लगा तो लग भी सकता है। तो ऐसा नहीं करना कि भले आपको रुकना पड़े रुक जाना, लेकिन ये नहीं करना, ठीक है ना, कि उसी स्पीड से निकल गए।